students, under source documents, till now we have discussed cash memo. When we buy or sell the goods on cash basis, we get a bill which we call cash memo. But if we buy or sell on credit basis, then we give or we receive invoice. So invoice are of two types. One is what? Inward invoice. Another is what? Outward invoice, right? So when you sell the goods on credit basis, you send a outward invoice to your customer. And when you yourself purchase the goods in your business for resale purpose, you get inward invoice, right? And after that, we did a receipt. आप किसी को कोई पेमेंट कर रहे हो, वो रसीद आपको देता है, कभी रसीद आप भी किसी को दे सकते हो. सो रसीद इज, इफ यू आर रिसीविंग, इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर यू बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम सम आउटसाइड पार्टी, फ्रॉम सम आउटसाइड सोर्स. देन अल्टीमेटली यस्टरडे वी वाइंडेड अप आवर लेक्चर विद चेक. सो चेक इज बेसिकली अ ऑर्डर बीइंग मेड बाय मी एज अ क्लाइंट ऑफ द बैंक to pay a certain sum of money at a specified time period to a certain person whose name is being written on the face of the check. Right, to check padh ke bank wale mere account mein se paise deduct karke us holder ke account mein transfer kar denge jiske naam ke upar maine check likh ke diya hai. After check we have, yes, very very important, that is debit note and credit note. ये बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा और मैंने एक्सप्लेन करने के बाद आप लोगों से सुनना है आपको क्या समझ आए. डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, राइट? सो डेबिट नोट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर व्हेन ही सेंड्स बैक द गुड टू हिज सप्लायर. आई एम रिपीटिंग, this is a note being prepared by the customer when he sends back the goods to his supplier due to inferior quality, due to not matching with the sample or due to their breakage etc. jab aapka customer aapko samaan wapas bhejta hai, ya to samaan use ghatiya kisam ka lagta hai ya wo sample ke sath match nahi karta ya raste mein toot phoot gaya hai, to samaan ko wapas bhejte hue wo sath mein ek note bana ke bhejega. उस नोट को हम लोग क्या कहते हैं? डेबिट नोट. सो डेबिट नोट विल बी एन एक्नॉलेजमेंट कि मैंने तेरे को इतने का सामान वापस भेज दिया है, मेरा बिल एडजस्ट कर दे. फॉर एग्जांपल, मेरे कस्टमर ने मेरे से 22,500 का सामान खरीदा, ओरिजिनल बिल वाज ऑफ 22,500 बट ही सेंड्स बैक द गुड्स ऑफ रुपीज 2,000. सामान खराब निकला, ठीक है, 22,500 में से जब वो 2,000 का सामान जो तूने मेरे को सामान वापस भेजा है मैंने रिसीव कर लिया. अब जैसे ही आपको वो सामान वापस मिल जाएगा तो क्रेडिट नोट विल बी प्रिपेयर्ड बाय सप्लायर. सप्लायर क्रेडिट नोट बनाएगा और अपने कस्टमर को भेजेगा कि व्हाटएवर थिंग्स यू सेंड बैक टू मी दैट आई रिसीव्ड एंड आई एडजस्टेड योर बिल आल्सो. सो डेबिट नोट वो बंदा बनाता है जो सामान वापस भेज रहा है, वो उस बंदे को अपने सप्लायर को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कर देगा. और डेबिट करने का मतलब क्या है? अब वो उसे कम अमाउंट पे करेगा. और क्रेडिट नोट इज ऑलवेज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द सप्लायर टू इन्फॉर्म हिज कस्टमर दैट व्हाटएवर गुड्स ही हैज सेंड बैक दैट वी रिसीव्ड एंड वी एडजस्टेड द बिल आल्सो एंड द सेम अमाउंट वी क्रेडिटेड हिज अकाउंट आल्सो. ठीक है, तो जो जिसको क्रेडिट करेगा वो क्रेडिट नोट बनाएगा. आमतौर पे क्या, ऑलवेज इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द सप्लायर एंड टू बी सेंड टू द कस्टमर इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म हिम. उसे इन्फॉर्म करने के लिए ये क्या बनाता है? क्रेडिट नोट बनाता है. यस, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड आई हैव एडजस्टेड द बिल एज वेल, राइट? सो दिस विल बी द क्राइटेरिया. भाई आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस अगेन, बाय होम द डेबिट नोट इज बीन प्रिपेयर्ड, इट इज बीन प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर एंड इज टू बी सेंड टू द सप्लायर. दिस इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द सप्लायर एंड इज टू बी सेंड टू द कस्टमर. अब आपको नहीं समझ लगा, यू रेज हैंड, अदरवाइज आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फॉर यू. Right, and whenever I will say or ask you to unmute yourself, you have ek line pehle to likh lo apni notebook pe. Debit note is being prepared by the customer when he sends back the goods. Or debit note ka format aapke book mein likha hua hai. Jaise usne kal 5 maan lo mouse khareede the HP ke, to usko kharab lage, to 2 mouse
बॉटल्स ऑफ एचपी ही विल बी सेंडिंग बैक. ठीक है, तो सैंडिस्क उसने 5 खरीदी थी, एक का बिल्कुल क्लिप ही टूटा हुआ था, तो वन सैंडिस्क इज सेंडिंग बैक. तो वो वर्डिंग क्या बनाएगा, वी हियर बाय आर सेंडिंग बैक द गुड्स टू यू एंड वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट विद द फॉलोइंग अमाउंट. ठीक है, इतना हम लोग आपके बिल में से माइनस कर देंगे, आप भी हमारा बिल एडजस्ट करो. ठीक है, तो जब ये क्रेडिट नोट बनाएगा सप्लायर, सो सप्लायर विल इन्फॉर्म टू द कस्टमर, यस व्हाटएवर यू सेंड बैक टू मी दैट आई रिसीव एंड आई हैव क्रेडिटेड योर अकाउंट आल्सो. ठीक है, सो दिस इज व्हाट डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, राइट. फॉर मी इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट बिकॉज माई कस्टमर इज सेंडिंग बैक इट टू मी. ठीक है, क्रेडिट नोट कैन ऑल्सो बी अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर मी बिकॉज वेन आई सेंड बैक द गुड्स टू माई सप्लायर तो ही एक्नॉलेजेस दैट फैक्ट, उसने उस चीज की इन्फॉर्मेशन देने के लिए मेरे को क्रेडिट नोट बना के भेजा. सो क्रेडिट नोट इज ऑल्सो बींग प्रिपेयर सर्टन बाय सर्टन आउटसाइडर, सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर अस, राइट. सो दिस इज द वे, डेबिट नोट डन, क्रेडिट नोट डन. उसके बाद मिसलेनियस है भाई, अभी तक सोर्स डॉक्यूमेंट सिर्फ 7 हम लोगों ने करे, नाउ वी हैव द मिसलेनियस सोर्स डॉक्यूमेंट्स. और मिसलेनियस में वही आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल की रसीद हो सकती है, आपके कोई टिकट्स की रिजर्वेशन का स्लिप हो सकती है, टेलीफोन बिल की रसीद हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन आपने टैक्सी वाले से कोई बिल लिया है, कन्वेयंस बिल हो सकता है, रजिस्ट्रेशन डीड्स हो सकती है लाइक आरसी वगैरह, आपके व्हीकल्स की आरसी या घरों की रजिस्ट्रेशन डीड, या पार्टनरशिप. मैम ने अभी आपको करवा दिया होगा बिजनेस स्टडीज में, तो पार्टनरशिप फर्म की भी डीड रहती है, वो डीड्स आर ऑल्सो द सोर्स डॉक्यूमेंट. यस हिमांशु, यू रेज हैंड, यू डू यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन सेंड योर क्वेरी इन माय चैट बॉक्स. सो मैंने बोला था कि इस टॉपिक में हमारे दो टॉपिक कवर होंगे, वन इज व्हाट सोर्स डॉक्यूमेंट, सेकेंड इज व्हाट वाउचर. अब वाउचर मैंने साथ में हमेशा बच्चों को बता देती हूँ, जो कि बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करती है. तो वाउचर में भी आपके पास डेबिट वाउचर आएगा, क्रेडिट वाउचर आएगा. तो डेबिट नोट इज टोटली डिफरेंट, क्रेडिट नोट इज टोटली डिफरेंट, एंड डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम देम. द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू पिक टुडे, वाउचर्स. वाउचर्स आर दोस डॉक्यूमेंट्स विच विल बी प्रूविंग द अकरेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन, बट दीज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आर ओन यूज. These are not being prepared by certain outsiders. Voucher में हम लोग हमेशा ये mention करते हैं कौन से account debit होना है, कौन सा account credit होना है. Vouchers are always serially numbered. क्योंकि voucher की आपने एक booklet print करवाई होगी और इसका हमेशा serial number रहता है. Source documents का serial number नहीं रहता because that we receive from so many outside parties. So how the numbering can be matched? किसी bill का number जैसे 1692 हो सकता है. मैंने एक सप्लायर से खरीदा उसका 2571 हुआ, तो अलग अलग बिल बुक में अलग अलग नंबर चलेंगे ना. ठीक है, किसी और से मैंने खरीदा उसका 7077 बिल का नंबर हुआ, सो इट विल नॉट बीइंग इन सीरियली नंबर, दिस विल नॉट बीइंग सीरियली नंबर, बट आर Vouchers are always being serially numbered. Then when we were doing the features of source documents earlier, we read one point that in order to prepare vouchers, source documents will help us. How? For example, मेरे पास मशीनरी का बिल आया, कैश में मंगवाई 5 लाख. अब मैं वाउचर बनाऊंगी और उस वाउचर में मैं लिखूंगी मशीनरी आई है तो मशीनरी को डेबिट कर दो, और कैश दिया है तो कैश को क्रेडिट करो. ठीक है, so vouchers will always tell us which account is to be debited and which account is to be credited. And when you buy something, आपका खर्चा है तो आप debit voucher बनाते हो. When you receive something, तो आपकी income है, आप credit voucher बनाते हो. In order to record all expenses, we prepare debit voucher. In order to record all incomes, we prepare credit voucher. Credit note, debit note. Then debit voucher, credit voucher. चारों different हैं एक दूसरे से, right? So vouchers की definition हो गई, vouchers are serially numbered, मैंने आपको बता दिया. Vouchers are always being supported by certain source document. Vouchers को बनाने के लिए हमेशा हम source document के ऊपर depend रहते हैं. Now come to the features of vouchers. So we have in our book 7 points of features of vouchers. Features. Is it being prepared by us or by some outside party? These are being prepared by us.
I am running my business. I am a business woman, so I will be preparing the vouchers on my own, right? So it is being prepared by analyzing the source document ko padke hum uske basis ke upar vouchers banate hain. Vouchers are always serially numbered. Second point, it is prepared for each and every transaction. Hamare business mein koi bhi sale or purchase ki transaction hogi, hum kuch bhi khareedenge bechenge, hamare koi bhi expenditure honge, koi bhi income hogi, har transaction ke liye hum voucher banate hain. So maine pehle hi bata diya, voucher mein bhi always write which account is to be debited and which is to be credited. It is being prepared and signed by the accountant or clerical staff. Banata hai ise. It serves the documentary evidence in the future. Kyunki future mein bahut sari transactions mere mind mein se nikal jayengi. Lekin agar return mein voucher bana ke rakhe honge, to vouchers may help us. It is filed nahi hona chahiye. It is filled hona chahiye. Spelling galat likhe hai, double L kar dijiye. It is filled according to the its serial number, so that the auditor may easily vouch them. Vouch ka matlab can easily check it. कोई भी वाउचर बीच में से मिसिंग नहीं होगा. अगर कल को आपने वाउचर बुक में से नंबर 4 तक फिल कर लिया है, तो अगले दिन आप नंबर 5 से ही स्टार्ट करोगे, ठीक है? तो इसमें से कुछ भी वाउचर स्किप नहीं होगा. वाउचर्स आर ऑलवेज बीइंग फिल्ड सीरियली नंबर. सो दैट डे फ्यू स्टूडेंट्स दे वर हैविंग डाउट कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाउचर एंड सोर्स डॉक्यूमेंट. सो देयर कम्स द डिफरेंस. 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, वाउचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट. राइट, वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट्स में क्या डिफरेंस है, लेट्स सी. फर्स्ट डिफरेंस, बेसिस. सोर्स डॉक्यूमेंट इज द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग वाउचर्स, बट वाइसा वासा इज नॉट देयर. सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर्स के लिए बनाने में हेल्प करते हैं, लेकिन वाउचर्स की कोई डिपेंडेंस नहीं होती और सोर्स डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए. तो वाउचर्स किसके लिए बेसिस का काम करते हैं? वाउचर्स आर ऑलवेज बीइंग हेल्पफुल टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आगे जाके हम लोग चैप्टर करेंगे जर्नल, और जर्नल में भी यूज टू पास सर्टेन जर्नल एंट्रीज. तो जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए, उसे हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कहते हैं, उसको करने के लिए वाउचर्स आर ऑलवेज हेल्प. तो वाउचर्स विल हेल्प मी, कौन सा खर्चा हुआ, कौन सी इनकम हुई, मैंने कितने की मशीनरी खरीदी, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो वाउचर्स आर हेल्पिंग अस और विल बी एक्टिंग एज अ बेस टू प्रिपेयर आवर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज. डिस्क्रिप्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट में हमारी ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल होती है. वाउचर में सिर्फ ये लिखा जाता है which account is to be debited and which is to be credited, ठीक है? और साथ में सोर्स डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच कर दिया जाता है. Then third, signature. Source documents are always being signed by some outsider parties who prepare it, but vouchers are always being signed by the accountant and countersigned by the manager or the proprietor of the business, right? Evidence. Source documents are the evidence of the transaction and vouchers are the evidence of recording. ठीक है, कल को आपने कोई भी रिकॉर्डिंग करी है लिख के जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में, तो अगर आपने उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, यू कैन रेफर द वाउचर. वाउचर से सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो यू कैन रेफर योर सोर्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि उस वाउचर के साथ सोर्स डॉक्यूमेंट भी अटैच किया होगा. नंबरिंग, सोर्स डॉक्यूमेंट कभी भी सीरियली नंबर नहीं होते, बट वाउचर्स आर ऑलवेज सीरियली नंबर, विच हेल्प द ऑडिटर वंस अगेन टू वाउच देम इजिली, टू चेक देम इजिली. नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ वाउचर्स, कैश वाउचर्स एंड नॉन कैश वाउचर्स. पहली तो ये है कैटेगरी, टाइप्स ऑफ वाउचर्स. वी हैव टू मेन कैटेगरीज. अपनी बुक में से टेबल देखिए, दैट इज कैश वाउचर्स, दिस इज नॉन कैश वाउचर्स. कैश वाउचर्स की आगे दो टाइप्स हैं, ऑलरेडी डिस्कस विद यू, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर. ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया, लेट मी राइट इट अबाउट. कैश वाउचर के आगे दो सब कैटेगरी भी हैं, दैट इज डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर. सारे खर्चों के लिए हम डेबिट वाउचर बनाएंगे, सारी इनकम्स के लिए हम क्रेडिट वाउचर बनाएंगे. वाउचर्स नॉन कैश ट्रांजैक्शन के आगे कोई सब कैटेगरी नहीं है. नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हम कभी कभार ट्रांसफर वाउचर्स भी कहते हैं. So another name of non-cash voucher is transfer vouchers. Now come to the main category, that is cash voucher. Cash vouchers are related with the incoming and outgoing of the cash. Cash vouchers are always being prepared to record the cash transactions, right? मान लो credit transactions हैं, तो वो non-cash voucher में आएंगी, like credit sale, like credit purchases, like sales return, like purchase return. That all are the part of your non-cash voucher. And सबसे important non-cash voucher है depreciation charged.
बैड डेट्स रिटन ऑफ। डेप्रिसिएशन चार्ज मींस आर एसेट में की वैल्यू में थोड़ा बहुत अप डाउन आता है, अप तो कभी नहीं आएगा राधा, है ना, तो डाउनफॉल जो आता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट आप बनाते हैं उसे डेप्रिसिएशन कहा करते हैं। सो डेबिट वाउचर इज मेंट फॉर ऑल एक्सपेंसेस। तो आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दी है, नॉमिनल अकाउंट का रूल याद रखिएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो डेबिट वाउचर्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट वाउचर्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इनकम्स, राइट। When you pay rent, when you purchase machinery, ठीक है, but on cash basis. When you pay to your creditors, when you give the salaries to your employees, etc. So many examples are there of expenses in our business house. So that all, for all that, we will be preparing debit voucher. उसने मेरे वाली example ही दी है, he prepared a voucher, whereby he just purchased a machinery. So he debited the machinery account and he credited the cash account. कैश की यहाँ पे नहीं करता क्योंकि कैश को रिकॉर्ड करने के लिए अलग से हमारे पास कैश बुक होती है, तो कैश बुक में हम लोगों ने मशीनरी का परचेज शो कर दिया होगा। तो चाहो तो आप यहाँ पे भी मशीनरी, क्योंकि ये डेबिट वाउचर है तो सिर्फ ये बताएगा कि क्या चीज डेबिट होगी, क्रेडिट जो होगा वो कहाँ पे जाएगा, आपका क्रेडिट वाउचर में जाए। लाइक क्रेडिट वाउचर में आई रिकॉर्ड इनकम्स, यू रिसीव कमीशन, सो क्रेडिट वाउचर में यू विल बी राइटिंग कमीशन टू बी क्रेडिटेड। यू रिसीव्ड इंटरेस्ट, in credit voucher you will be writing interest free, right? Debit voucher में सिर्फ ये लिखना है कौन सा account debit होना है और credit voucher में लिखना है कौन सा account credit होना है। So credit vouchers की भी हमारे पास बहुत सारी examples हैं। आप कोई अपना पुराना asset बेचते हो तो cash आएगा तो credit voucher बनेगा। आपको different income से पैसा मिला, like commission मिली, आपको interest मिला, that all are credit voucher। आपने अपनी कोई पुरानी investment बेची, कोई पुरानी building या plot बेचा, उसके ऊपर आपको पैसे मिले तो वो भी क्रेडिट वाउचर होगा, राइट। यू आर विदड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक, आप अपने ही बैंक बैलेंस में से पैसे विदड्रॉ कर रहे हो तो भी वो क्या होगा, क्रेडिट वाउचर होगा, राइट। इन दैट केस बैंक विल बी क्रेडिटेड, दैट्स इट। क्रेडिट वाउचर बनाते हुए क्या क्या लिखना है, ऊपर टॉप पे अपना नाम लिखना है, डेबिट में भी यही लिखना है, डेट लिखनी है, वाउचर का नंबर लिखना है, कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होने वाला है वो लिखना है, उसकी अमाउंट लिखनी है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि मैं यहाँ पे मशीन क्यों डेबिट कर रही हूँ। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, मशीनरी परचेज्ड, पाया बिल नंबर दिस, ये बिल है हमारे पास, उस बिल में सारा इस मशीनरी का डिटेल लिखा हुआ है, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर डेट वी बॉट दिस मशीनरी, ठीक है। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन टू बी रिटन इन योर डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर। नाउ कम टू द नॉन कैश वाउचर्स। नॉन कैश वाउचर्स आर ऑल्सो नेम्ड एज ट्रांसफर वाउचर्स। हमारे बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन आर, मैक्सिमम कैश ट्रांजेक्शन आर देयर, लेकिन उन कैश ट्रांजेक्शन को अगर मैं साइड पे रखूं तो कुछ नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी रहती हैं, दैट आर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्रेडिट सेल ऑफ योर ओल्ड फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर पुराना हो गया आपने कहीं पे बेच दिया, वो कहता है 15 दिन के बाद मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तो दैट विल बी क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, राइट। कोई हार्डवेयर बेचा कंप्यूटर का, ठीक, तो वो भी कहता है मैं 10 दिन के बाद आपको पैसे दे दूंगा, तो दैट विल ऑल्सो बी द क्रेडिट सेल ऑफ योर कंप्यूटर और ऑफ योर फिक्स्ड एसेट, राइट। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ सर्विसेज, ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ योर नॉन कैश वाउचर्स। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, सो वी विल नॉट बी डूइंग दिस टॉपिक। 22nd 23rd इलस्ट्रेशन नहीं करनी, ठीक है, मतलब 22nd से लेके 26 तक कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं करनी। Preparation of voucher is not a part of our syllabus. So here we end up. Chapter का नाम था accounting equation, rules of debit and credit. करवा दिए थे आपको real, personal और nominal account. And then we picked the topic source documents and vouchers. So here we end up this chapter. ठीक है? So many questions are there for your practice. You have to solve that question. Back exercise question आपको solve करने हैं. ठीक है, कोई किसी का नई क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो मंडे आई कैन टेक योर प्रॉब्लम्स, अदरवाइज आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट। मैम डेबिट में किस वजह से सामान वापसी किया, हाँ बता तो दिया किस जब वजह से सामान की वापसी करी, दैट कैन बी ऑफ इंफीरियर क्वालिटी बता दिया था, जो सैंपल उसने दिखाया था उससे घटिया किस्म का सामान है। आप भी ऑनलाइन जब सामान बेचते हो तो रिफंड की पॉलिसी रहती है ना, आफ्टर ओपनिंग द बॉक्स इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट, या कोई टूट फूटा निकला सामान, टूटा फूटा निकला, तो उस केस में यू विल बी डैमेज के केस में यू कैन सेंड इट बैक, तो देयर कैन बी सो मेनी लॉजिक्स फॉर इट।
लाइक आपने जैसे मान लो आपका रेडीमेड गारमेंट का शॉप है, आपने 42 नंबर साइज की 6 शर्ट्स मंगवाई थी, उसने 44 साइज की 6 शर्ट्स भेज दी जो डिमांड में ही नहीं है, तो यू विल बी सेंडिंग इट बैक एंड यू विल बी आस्किंग हिम कि मेरे को 42 नंबर साइज चाहिए. सो दिस कैन बी द रीजन फॉर रिटर्निंग बैक द गुड्स टू योर सप्लायर. नाउ इट्स योर टर्न स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज डेबिट नोट एंड व्हाट इज डेबिट वाउचर. लेट मी कम टू योर स्क्रीन्स नाउ. यस मानसी शर्मा अनम्यूट करो. मानसी अनम्यूट योर सेल्फ. जैस्मिन अनम्यूट करो. जैस्मिन आर यू हियरिंग?